कोटदू चौक सरवर शहीद कन्वे इलाका चक नंबर 590 में वाकई परमिट स्कूल की बिल्डिंग काफी अरसा से खस्ता हाली का शिकार थी। इलाके में उन्होंने आला हुकाम को इस बिल्डिंग की खस्ता हाली के मुताबिक आगाह किया गया, दरखास्त भी दी गई, लेकिन एजुकेशन डिपार्टमेंट और दीगर अफसरान ने इस पर कान तक न धरे। आखिरकार गुज़श्ता रोज होने वाली बारिशों के बाद स्कूल की पूरी बिल्डिंग अचानक जमीन बोस हो गई और इस बिल्डिंग में 150 से ज्यादा तलबा तलीम हासिल करते थे जो उस रोज छुट्टी के बाद उस बिल्डिंग में मौजूद न थे, वरना बड़ा हादसा हो सकता था। जबकि खेलने वाले चंद बच्चे मामूली जख्मी हो गए। बिल्डिंग गिरने के बाद तमाम स्कूल के बच्चे शदीद सर्दी में बेयार और मददगार खुले आसमान तले तलीम हासिल कर रहे हैं, जबकि कई रोज गुजरने के बावजूद इंतजामिया खामोश तमाशा ही बनी हुई है और बिल्डिंग की तमीर का सिलसिला भी शुरू नहीं हो सका, जबकि स्कूल का कीमती रिकॉर्ड भी खुले आसमान तले मौजूद है। मौसम के बहस खराब हो रहा है। इलाका मकीनों के मुताबिक बच्चे शदीद में खुले आसमान तले तलीम हासिल कर रहे हैं, जिसके बहस बच्चे बीमार हो रहे हैं, उनकी तालीम पर असरात पैदा हो रहे हैं। इलाके में उन्होंने आला हुकाम से मुतालबा किया है कि स्कूल की बिल्डिंग को जल्द और जल्द तामीर करवाया जाए ताकि उनके बच्चे तालीम हासिल कर सकें, और गफलत बरतने वाले अफसरान के खिलाफ कार्रवाई का मुतालबा किया है। कैमरा टीम के साथ नियाज अहमद, सिटी न्यूज, कोटदू। हम लाते हैं टॉप न्यूज, आपके फेवरेट टॉक शोज और अनलिमिटेड एंटरटेनमेंट सिर्फ यूट्यूब पर। अगर आपने अभी तक हमारा चैनल सब्सक्राइब नहीं किया तो अभी सब्सक्राइब करें और बेल आइकॉन को क्लिक करके हमारी लेटेस्ट वीडियोस के बारे में अपडेट जानें।